फर्स्ट लव बाबा ही रहते गाइस, तो मेरे वास्ते तो मेरे बाबा बहुत कीमती चीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह हो रही तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तो ये हटा देती बिकॉज उजाला अच्छा आता। बना रही हूँ उत्तप्पा। तो आटा था मेरे पास, तो मैं इसमें डाली प्याज, हरी मिर्ची एंड कोथमीर। इससे उत्तप्पा ना ज़बरदस्त बनता गाइस। बस इसको छोटा डालना है। आप चाहे तो प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी डाली प्याज बिकॉज ज़्यादा मेरे को नहीं पसंद। तो फैलाना नहीं है गाइस, और ऐसे ही करना है, मोटा ही रहता है इन्हें। चटनी है ये टमाटे की, देख सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखो ज़बरदस्त साउथ इंडियन पैनकेक है गाइस। ये बच्चों को ऐसा बोल के खिला सकते, बस बच्चों को खिलाना है, किड्स को तो हरी मिर्ची निकाल के खिला सकते। तो मस्त बन गया देख सकते गाइस, बहुत ही अम्मी रहता। आज का नाश्ता उत्तप्पा। Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain, forever young, ever strong। नाश्ता है चटनी और उत्तप्पा। बन रही हमारी चाय गाइस। चाय हमारी फेवरेट है, और चाय आपको दो बार तो दिखती। अली ना इधर पार्किंग रख लिए, हटाते रहते अली की गाड़ी की पार्किंग है थी यहाँ पर गाइस, तो हटाते रहते। मैं यहाँ रखती हूँ हमेशा एक सोफे के बाजू इधर। अली अगर ये हटना आप बहुत मारा खाते, याद रखो। ओके। जब से उल्टी चप्पल पहनी है। अरे उल्टी है ये। ओ बस ना को करो, होना बोल के पहन के फिर रहे थे गाइस। भूल गया ओ ना बोल के कर रहे गाइस। मेरे दोस्त से फोन आया, पेट्रोल पंप खुले गए थे, तो मैं जा रहा हूँ जल्दी बाइक में पेट्रोल डलाने गया से, तो चलो पेट्रोल डलाने आएंगे। तो गाइस हम लोग फ्राइड राइस बनाएंगे सोचे थे, लेकिन वो खाना दिल ना बोला शोएब को, पास्ता खाना दिल बोल रहा। शोएब का ये ऐसा एक फेवरेट है, हर दो दिन तीन दिन में तो बनाओ इस बोलते गाइस। तो मैं इसको वॉश करके उबालने रखूँगी, बॉयल करने रखूँगी थोड़ा तेल डाल के। तो ये बॉईल करने के वास्ते रख दी मैं थोड़ा ऑयल डाल के गाइस। और ना मैं ना आप लोग को लास्ट टाइम फली का सालन शेयर करी थी, तो मैं वही चाज बनाई थी फली आलू का सालन, तो उसलिए शेयर नहीं करी, लंच में बनाई थी। अब इवनिंग में शोएब को खाना है पास्ता, शोएब मालूम ना फली आलू बैंगन ये बनाए तो ढंग से खाना नहीं खाते, तो ये इनके चटपटे चीज़ें चलते रहते। अंग्रेज की औलाद है तुम, ज़रूर ये खाना नहीं खा के ये खाना तुम्हारा। गाइस इनको फल्ली ना हल्ला से नहीं उतरती, तब एक एक दाना खाते ना मेरे को बात अंगरते हुए खाते। फल्ली बनाना जरूरी है, तुम फल्ली लेते गाई को बैगन फल्ली बैंगन बैंगन नहीं बैगन ये सब चीजें अपने को नहीं बैगन नहीं बैगन 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 हाँ बैगन हाँ बैंगन नहीं वो बैगन है वो बैगन नया नाम रखे गाई सुनो बैगन कहते बैंग पता नहीं ये कई को ऐसा फेवरेट हो गया कि ये अंग्रेजों की डिश। हमारे पास भी एक अंग्रेज है शोएब अंग्रेज, तो इनके वास्ते बनाना पड़ता गाइस, इसने तो मेरे को तो पसंद ही नहीं मालूम। और ये हमारे मैं टमाटे प्याज काट के रखी इसके अंदर डालने, शोएब को दी टमाटा काटो बोल गया ऐसा काटे, शोएब के फेस के जैसे काटे मोटा मोटा। तेल की कढ़ाई गरम हो गई, प्याज डालेंगे। ये मोटी मोटी टेढ़ी भिंगी प्याज दिख रही ना गाइस, ये शोहेब कट करे आज, हेल्प कर तुम बोल के ऐसा करे। कोई बात नहीं, प्याज कैसा भी नरम हो जाती है। खाना दिल बोलता ना गाइस शोहेब को, देखो ऐसा भर भर के मिर्ची डाल लेते। ये बन रहा इटालियन पास्ता। ओ कुछ भी कुछ भी गाइस। ड्रेस पहन रही हूँ, और इसके साथ मेरे पास नया दुपट्टा था देख सकते हैं आप लोग, तो इसमें मैच हो गया। तो मैं बोली थी शोएब को, तो शोएब बोले थे मेरे को दुपट्टा लेने जाएंगे बोल के, तो मैं बोली नहीं मेरे पास नया है बोल के। देखो इसका स्टिकर भी नहीं निकला अभी, ये ली थी मैं, ये ऑफर चल रहा था।
तो ये मेरे को दुपट्टा मेरे पास था ऑलरेडी, शोएब ये लाए थे ना, तो इस पे मैच हो गया, तो आज अपन पहनेंगे। शोएब की ख्वाहिश, शोएब पुकार ले रहे थे कल से, पहने नहीं, मैं लाई सो ड्रेस बोल के, गाइस फाइनली पहनेंगे, ठीक है। चलो मस्त स्नैक्स बन गया पास्ता, अब ये खा के आप लोग को सीधा मिलती हूँ मैं, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? यस गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और मेरे हिसाब आप लोग गोल गोल पेट्रोल पंप के चक्रा नहीं काट रहे होंगे यार। सुबह से दो दो बार जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ, पेट्रोल मिला नहीं मेरे को। जब जाके अटला शाम में मिला, सुबह में था वहाँ पे पेट्रोल, लेकिन वो कुछ प्रीमियम पावर कुछ तो भी था, वो वाला एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा था, वो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा था। और मेरे को डलाना था बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 15 लीटर डलाने का मेरा प्लान था, बिकॉज सेफ में रखेंगे। तो उतना ज़्यादा डलाने का से ना 5-10 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो जाते पर लीटर के हिसाब से, तो मैंने डला था शाम में। एटलास्ट मेरे को मेरा फ्रेंड बोला कि भाई अब खुल गया, अब आके ले सकते हैं, बोलते कि मैं सीधा शाम में गया पेट्रोल डला लिया। और मतलब भाई ऐसा टाइम कभी भी नहीं आना वापिस है, मैं इसलिए आपसे थोड़ा रिजर्व में रख लेता हूँ। क्या है मालूम, ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है यार, अपन कभी प्लान ही नहीं कर मालूम ना, सकते। सुबह उठे तो क्या हो जा रहा है करेक्ट, कुछ भी नहीं कुछ मालूम भी नहीं हमारा। बोल सकते। और सडनली ऐसा हो जाना एकदम, अपन क्या है मालूम है, रेगुलर बाइक यूज़ करते रहते तो उसमें होना पड़ता, कार बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, फिर भी आज उसमें था, बल्कि मैनेज हो गया। तो गाइस आज ना ज्यादा व्लॉग नहीं बनाई, बिकॉज ना जो भी करी वो आप लोग के साथ शेयर करी, बिकॉज ये काम वाली आंटी आज भी नहीं आई, 2 दिन से छुट्टी हो पे है, तो और मैं वो उन्होंने वो दूसरे काम कर लेते रहते, तो मैं व्लॉग शूट करते रहती ना, तो अच्छा रहता गाइस, करेक्ट टाइम मिल जाता, बट उन्होंने आए ना, तो वो भी करते ये करते, अच्छे से आप लोग को रेसिपी नहीं दिखा सकी जो मैं फली आलू गोश्त बनाई थी गाइस। तो यस। शोएब नहीं खाते वो, फिर आके मेरे को ना पास्ता बनाने लगाए। हाँ उन्होंने पास्ता आंटी रहते तो क्या रहता मालूम गाइस, उन्होंने बाकी का काम कर लेते रहते और मैं ये कर लेते रहते, तो मालूम नहीं होता चीज़ों, करेक्ट तो इसके वजह से हम लोग यार, अपन पैसे देंगे भी ना। हाँ, 2 दिन इनोज थके हुए काम इनोज कर लेते बैठे हुए 2 दिन से, तो वो तो चीज ऐसा हो गया, कुछ भी मतलब बोल भी नहीं सकते गाइस, बोले तो फिर ना नहीं आते वो लोग, तो फिर नहीं आए तो भाई भाई अपमान आजकल डिमांड ही लोगों ज्यादा चल रहा मालूम, खुद हाई में भाई क्या उन लोगों का करेंगे। डिमांड चल रहा, तो फिर नॉर्मल लोगों का कितना डिमांड रहता बोल हाँ, अब लोगों स्किल्ड वर्कर है भाई लोग, अपन नहीं है, अब अपने को ऑफिसों में कैरी नहीं करते, लेकिन इन लोगों को इतना ज्यादा अपन सर पे चढ़ाना पड़ रहा भाई, घर का काम है ना, नहीं कर करना सकते पड़ता ना गाइस, अच्छे रहे तो फिर फिर अच्छा वो सब मिलता। सही चलो बात। गाइस बाय द वे, हम लोग इसलिए आए, न्यू ईयर है कैलेंडर में हम लोग 24 मालूम है आवर, नहीं करते हम लोग, बट लेकिन कैलेंडर फिर भी वाइज एक रहता ना, अपन पढ़ते हुए आ रहे स्कूलों से, अरे ये साल में अपन ये करेंगे वो साल में ऐसा यस नहीं करेंगे, जो गलत है नहीं करेंगे, जो अच्छा है मतलब अपने आप को राइट कर लेंगे बोल के हम लोग यस, सोचे, आप लोग के साथ शेयर करते हर चीज, तो हम लोग आप लोग के साथ शेयर करना मतलब चाह एक रहे न्यू हैं ईयर का रेजोल्यूशन जो आप हर कोई लोग। रखते हैं ना, ऐसा हाँ हमारा ये साल का क्या रेजोल्यूशन है, क्या है वो रेजुलेशन क्या है आप लोग का भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ यस। गाइस, तो बोलो आपका क्या है शोएब? मेरा स्टार्टर नहीं, आप करो ना नहीं नहीं स्टार्टर आप चलो, तो इसमें मेरे अंदर रेजोल्यूशन कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा परफेक्ट है अपन, कोई मतलब चेंजेस लाना या ऐसा कुछ भी जरूरत मेरे को तो नहीं दिख रही, बिकॉज ना मेरे अंदर कोई ऐसे बैड हैबिट्स है या किसी को मैं हार्म नहीं करता, मैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ थोड़े चीज़ें हुए जो रिसेंटली मेरे लाइक 2023 में एंड में थोड़े चीज़ें जैसा कि बहस होना लोगा मेरे साथ, ऐसी चीज़ें हुए वो चीज़ों को ना मैं पहले उतना वो नहीं करता था, बट अब थोड़ा उस पर वर्कआउट करता हूँ, ऐसी चीज़ों को जवाब आंसर जब कहीं अब देख के उसको स्टॉप करने का सोचता हूँ, बिकॉज ये चीज़ मेरे को ज़्यादा थोड़ा मतलब दिख रहा, बिकॉज अब तक तो अपन भाई जहाँ साइलेंट पर बॉय थे, नहीं अपने बायस मालूम हो मीन्स रही समझो या पार्शियलिटी कर रहे हैं, पार्शियलिटी, मतलब अपन 100% दे रहे हैं लेकिन सामने वाला अपने को उतना इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा कि ये चीज़ से अपन कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे जनों को थोड़ा एहसास आई दिलाना आईना दिखाना। या आईना दिखाना कि भाई हम हैं यहाँ पे। ओके तो ये मेरा है इस बार का, वैसे तो अब कुछ है ही नहीं, मतलब एवरीथिंग इज ऑल गुड परफेक्ट है अपन तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई चीज़ों की। तुम्हारा क्या ये बोलो पहले, बोलो बोलो ना। तो गाइस मेरा है, मैं शोहेब को भी अब तक नहीं बोली, तो मेरे गुना ये साल बोल के नहीं, नेक्स्ट ईयर तक भी चलता मेरे गुना क्या तो भी है बोलो तो सही, डर हो रहा है मेरे को, तुम्हारे साथ बैठ गया सुनने के वास्ते शोहेब, मेरे को डर हो रहा है, अब तुम क्या बोल मेरे को रहे बोलने बल्कि डर हो भाई रहा। बोलो ना चलो सुन गाइस तो मैं मैं। बोलती हूँ, हाँ तो गाइस मेरे गुना मेरे डैडी, ठीक है, मेरे डैडी का ना नाम से मेरे को एक ऑनलाइन बिजनेस या एक शॉप खोलना है, और उसमें रखना है मेरे को, मेरा ड्रीम है, और वो भी मेरे पैसों से करना है, शोहेब के हस्बैंड के कुछ भी पैसे नहीं होना है, जो मैं जो काम कर रही वो पैसे जमा करके मेरे पैसों से मेरा ड्रीम है करना है, मेरे डैडी का नाम लेके, मैं पापा बोलती थी तो उनके नाम से मेरे को एक शॉप
शॉप पे नाम वोइच रखना है, उसमें मेरे को रखना है जानीमास नमाज की टोपी, जानीमास नमाज की टोपी और तस्वीर और इतर। तो ये चीज़ की मेरे को एक नॉर्मल एंड सिंपल दुकान बनाना, मतलब ओपन करना है बिजनेस, मतलब ये लाइक चीज़ मैं इंटरप्ट करता हूँ, ये चीज़ मेरे को अभी मालूम हुई सीरियसली, अभी कैमरे के सामने मेरे को बोले भी नहीं चीज़ ज़रा भी। अब मैं अभी चीज़ के बारे में यही पूछना भी चाह रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हैं ऑनलाइन या मीन्स ऑफलाइन भी कुछ ऑफलाइन भी? ऑनलाइन कुछ भी रहने अच्छा, दो। पापा के नाम से, हाँ आपके पापा के नाम तो से। मतलब शॉप के ऊपर मेरे डैडी का नाम रहना है उस अच्छा, पे, तो उससे ब्रांड मैं भी मतलब पापा के नाम ना क्या ब्रांड बनाना है? हाँ अच्छा बनाना है। ओके तो जो हमारे डैडी का नाम है, नाम नहीं बोलना चाह रही हूँ अभी से, ओके तो ऐसा। तो गाइस मैं कब से की ड्रीम है मेरा, मतलब जितना मतलब टाइम जब अपन स्पेंड करते ना, वो दिमाग में बहुत अच्छा बैठ जाता गाइस। ये देखो घर में ना जब 7-8 बच्चे रहते ना गाइस, तो ना ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बच्चे तो ना मम्मी के पीछे रहते हैं, मम्मी का मतलब वो देखते हैं। लेकिन उसमें कम बच्चे जो ना डैडी के फेवरेट रहते हैं और डैडी को भी फेवरेट उन लोग रहते। तो मैं उसमें से एक ऐसी छूँ गाइस, मैं भी सेल्फिश ही छूँ, बिकॉज मैं मतलब ज़्यादा चूज बाबा को करी एंड मतलब मम्मी को भी करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्यादा ज़्यादा फेवरेट। हाँ ज़्यादा फेवरेट अच्छा मेरे डैडी है ज़्यादा ज़्यादा। और मैं अच्छा उनके नाम से ना एक शॉप ओपन करना बोल के है मेरे को, ये साल नहीं तो अगले साल, तो शॉप ओपन करना बोल के है। उसमें सिर्फ जानीमास नमाज की टोपी तस्बीह एंड इतर बस यही रखना चाह रही हूँ। और हज पे जो जा रहे ना गाइस, उन लोगों को एक मतलब एक एक जनों को मैं फ्री भी दूंगी, बिकॉज वहाँ पर जाके मतलब उस पे जानीमास पे तो अपने बाबा का नाम रहता ही, तो उस पे नमाज पढ़े तो कुछ सवाब वगैरह अच्छा भी तो होना मतलब बेसिकली जो भी हज पे भी जा रहे हैं उनका अहराम भी हो गया, उनका जानीमांस भी हो गया, उनकी तस्बीह भी हो गई, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब तुम उनको देना चाह रहे हैं, थोड़े लोगों को मतलब सेलेक्टिव लोगों को जो इससे क्या होता मालूम, ज़रूरतमंद दुआ है। भी निकलती जो भी है ना गाइस। मतलब मैं ऐसा प्राइस भी नहीं रखने वाली हूँ जो जो बाहर मिलता है इतने में, मैं अब कम से कम प्राइस में रख के वो मतलब मैं नाम इसलिए रख रही हूँ कि उनके वास्ते दुआएं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दुआएं आना गाइस, बिकॉज अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनके वास्ते क्या रहता, खाली बस दुआएं वगैरह ही रहते ना गाइस, और क्या रहते, उनके गुनाह कम करो बल्कि ही रहता। और हमारे बाबा इतने अच्छे थे गाइस, मुहर्रम की 2 तारीख के दिन नमाज पढ़ के जा रहे थे, एकदम हार्ट आ गया, स्पॉट पे डेथ हो गई। मतलब सोचो इतने अच्छे इंसान थे, शहीदों में मिल गए। मुहर्रम की 2री तारीख को ऐसा हो गया था, मेरी शादी हुई थी स्टार्टिंग जब ही उनका मतलब इंतकाल हो गया गाइस। करेक्ट। तो बस मेरा एक ड्रीम है मैं भी भाई, सिर्फ 2 बार मिल सका। शोएब भी ज्यादा नहीं मिल सके, 2 बार ही मिले, तो हमारी नई शादी थी, ज्यादा आना जाना नहीं रहता था। तो मेरा ये ड्रीम है भाई, सब बेटियों का ड्रीम रहता अपने पापा की फा परी है ना असल में, मैं समझ तो गया। आप सोच रहे होंगे मम्मी के वास्ते कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है गाइस। इंशाल्लाह जब बिजनेस बड़ा होगा तो उनके नाम पे भी मैं कुछ और भी सोची वो करूंगी। और बस मैं ना बताना नहीं चाहती, जो है लोगों के ऊपर बताए तो ना अच्छा नहीं रहता गाइस, जो साइडों में जो लोग रहते ना ऐसा मतलब वो क्या बोलते TRP खारी, मतलब TRP हो रहा शायद समझते गाइस, सही इसलिए है। मैं कभी भी ना नामा वगैरह किसी का नहीं लेती हूँ। TRP खा रहे मीन समझ सकते ना आप लोग, उन लोगों के नहीं ऊपर कुछ खा रहे बोले ऐसा ऐसी होता। बात भी नहीं है, देखो पापा तुम्हारे हैं, ऐसा नहीं है कोई एक खरीद लिया, तुम ना बराबर बोल सकते हो, तुम बराबर नाम भी ले सकते हो, तुम बराबर चीज़ें उनके मतलब उनके जो आस्ते तुम दुनिया कर में, सकते। हाँ जो दुनिया में है उनको तो बहुत लोग कर सकते गाइस, करेक्ट, जो जो दुनिया दुनिया में में नहीं नहीं है ना है। उनके आस्ते तो तुम करना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन तुम्हारे पापा रहते तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, और आप लोगों को मिलाते भी थे अगर। हाँ गाइस अगर रहते तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मिलाती भी थी आपको, बट क्या कर सकते, अल्लाह पास चले गए, अल्लाह को अच्छे जनों को अल्लाह जल्दी बुला लेते। और मैं एक चलो बात बोलना चाह रही हूँ गाइस, कभी भी ना सुसरे को बाप बना लो, वो सुसरे कभी बाप की जगह नहीं लेते, बाप बाप ही छोड़ देगा इस, कितना भी कर लो आप, कितना भी सोने का निवाला खिला लो, सोने का लड्डू खिला लो, वो कम लोगों में होंगे, लेकिन सुसरे कभी बाप नहीं बन सकते हमेशा ज़िंदगी में। मेरे को याद रहता ना सास कभी माँ बन सकती गाइस हमेशा, मतलब मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में मैं बता रही हूँ आप लोग को, कभी नहीं बन सकते, बस ये बोलना चाह रही हूँ। एंड मेरा ये ड्रीम है गाइस, मेरे को ये ईयर या नेक्स्ट ईयर तक मेरे को एक शॉप या ऑनलाइन जो भी है मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने, मैं किसी के पैसों से नहीं कर रही, ना शोहेब के ना किसी के, मैं जो यूट्यूब पर जमाऊँगी, अभी बहुत जमाना है, अभी बहुत मतलब 1 साल भी निकल सकता, 2 साल भी हो सकता, बिकॉज मेहनत करे तो पैसे आते ना गाइस।
तो उससे करना, तो इसलिए ना मैं मेरे पैसों से करना चाह रही हूँ, तो कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ मैं। जब भी होता मेरा ड्रीम कंप्लीट, तो मैं इंशाल्लाह बस आप लोग के साथ इसलिए शेयर करी, आप लोग मेरे फैमिली है गाइस, मेरा एक ड्रीम है। तो हर बेटी को एक सपना रहना जरूरी है अपने बाबा अम्मा के वास्ते, लेकिन बाबा एक ऐसी चीज रहती है। एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं आप लोग को, हमारे घर में देखो शोएब, हम लोग बच्चों को अच्छा पहनाने के चक्कर में हमेशा कपड़े ज्यादा नहीं लेते, और एक 10 टी-शर्टा रखते उसमें जाते रहते शोएब। बाबाओं की एक खासियत रहती जो अपने आप को ज्यादा मतलब, अरे ये है भाई मेरे को नको, तुम ले लो, पहले तुम लोग ले लो, बच्चों को ले लो, ये करते। तो बाबा अपना इमोशनल नहीं दिखाते गाइस, तो ये शोएब को भी देखती ना मेरे को मेरे बाबा पूरा याद आते रहते, तो इसके वजह से गाइस। और बस ये बोलना चाह रही थी अबे मैं, इमोशनल करके मारते बोलो आजा नहीं गाइस मैं जो जिसको चाहते ना अपन उसके बारे में बात करना, कोई डर किसी के बाबा का नहीं है। तो मैं जो मेरे बाबा मेरे पास है अभी भी, कैसा दिखा, ओ बाहर आओ इमोशनल कर दिए तो बाहर आओ। और शोएब तुम्हारा सेकंड क्या है बोल दो मेरा सेकंड ऐसा कुछ ही नहीं है अभी तो मुझे इमोशनल कर दिए यार जाओ आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल हो गए, शोएब चले गए, बिकॉज ना गाइस मदर्स का इमोशनल्स दिख जाता गाइस, लेकिन फादर्स ना उनके इमोशनल्स छुपाते गाइस। मतलब मेरे को ये चीज़, मैं उल्टी हूँ, मतलब मैं मतलब सामने वाला कुछ बोलते रहता ना, मैं उसका उल्टा सोचते रहती हूँ। तो मेरे को ना ये चीज़ हमेशा ऐसा दिखता था, बाबा जो रहते अपने इमोशनल अंदर से रहते बहुत, बेटियों को तो बाबा अपना फर्स्ट लव बाबा ही रहते गाइस। तो मेरे वास्ते तो मेरे बाबा बहुत कीमती चीज़ थे, बहुत ही कीमती चीज़ थे, मैं बताती नहीं थी किसको भी। तो बस गाइस जो अपने को फेवरेट है उनके वास्ते ज़रूर कुछ करो। ऐसा था गाइस आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद है तो जरूर लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ जबरदस्त ब्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, जरूर दुआ में याद रखना, बाय गाइस।